अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल। क्वेश्चन 12 में हमें प्रूफ करना है टैन 20 डिग्री इंटू टैन 40 डिग्री इंटू टैन 60 डिग्री इंटू टैन 80 डिग्री इज इक्वल टू 3। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम LHS, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी टैन 20 डिग्री इंटू टैन 40 डिग्री इंटू टैन 60 डिग्री इंटू टैन 80 डिग्री इज इक्वल टू। अब टैन 20 डिग्री को हम एज इट इज लिखेंगे। कल यहां पर हम टैन 40 डिग्री एंड टैन 80 डिग्री को मैनेज करेंगे। टैन 40 डिग्री कैन बी रिटर्न एज टैन ब्रैकेट 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये पहले एडजस्टमेंट हो गई। और टैन 80 डिग्री के लिए हम लिखेंगे टैन ब्रैकेट 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म है टैन 60 डिग्री, उसकी वैल्यू फ्रॉम ट्रिगो टेबल वी गेट √3। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी टैन 20 डिग्री इंटू टैन ब्रैकेट 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री इंटू √3 इंटू टैन ब्रैकेट 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू। द नेक्स्ट स्टेप विल बी √3 इंटू टैन 20 डिग्री इंटू, नाउ टैन 60 माइनस 20 के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टैन ब्रैकेट ए माइनस बी कि जिसका आंसर है टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। देयरफॉर टैन ऑफ 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री उसका आंसर आएगा टैन 60 डिग्री माइनस टैन 20 डिग्री अपॉन 1 प्लस टैन 60 डिग्री इंटू टैन 20 डिग्री। ऑन द सेम लाइन टैन ऑफ 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री के लिए हम अप्लाई करेंगे टैन ब्रैकेट ए प्लस बी का फॉर्मूला। सो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला हमारा आंसर होना चाहिए टैन 60 डिग्री प्लस टैन 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस टैन 60 डिग्री इंटू टैन 20 डिग्री। सो इज इक्वल टू √3 इंटू टैन 20 डिग्री, वी राइट एज इट इज। अब नोमरेटर में ऑब्जर्व किया तो ब्रैकेट में टैन 60 माइनस टैन 20 और सेकेंड यहाँ पर है टैन 60 प्लस टैन 20, सो दिस इज ऑफ द टाइप ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर वी हैव 1 प्लस टैन 60 टैन 20 एक ब्रैकेट है, सेकेंड ब्रैकेट है 1 माइनस टैन 60 इंटू टैन 20। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कि जिसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो देयरफॉर द नेक्स्ट स्टेप विल बी √3 इंटू टैन 20 डिग्री इंटू नोमरेटर में आएगा टैन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 20 डिग्री, देन अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू टैन स्क्वायर 20 डिग्री। सो इज इक्वल टू √3 इंटू टैन 20 डिग्री एज इट इज। फ्रॉम ट्रिगो टेबल टैन 60 का वैल्यू है √3, सो देयरफॉर टैन स्क्वायर 60 डिग्री उसका आंसर आएगा 3। So we have in the bracket 3 minus tan square 20 degree upon 1 minus 3 into tan square 20 degree. So the next step will be we write √3 as it is. Then numerator ko hum tan 20 se multiply karenge. So after multiplication we have √3 bracket 3 tan 20 degree minus tan cube 20 degree upon 1 minus 3 tan square 20 degree.
So the next step will be, we write again root 3 as it is, or bracket ko observe kiya, so this is of the type 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta, ki jo related karta hai tan 3 theta ka formula se. So present case mein theta ki value hai 20 degree. So we have root 3 into tan of 3 into 20 degree. Since tan 3 theta is equal to 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. So is equal to root 3 into tan 60 degree, and from trigo table tan 60 ka answer aega again root 3. So therefore the next step will be root 3 into root 3. Finally is equal to 3, and that is nothing but our right hand side, and therefore LHS is equal to RHS, and hence prove the question.